हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पिन बोर्ड बनाना सिखाऊंगी। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से खुद ही सोच रही थी पिन बोर्ड मार्केट से परचेज़ करने के लिए, बट मार्केट में एक तो बड़ा साइज़ का मिल रहा था पिन बोर्ड और कॉस्टली भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एक पिन बोर्ड बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। और बहुत ज़रूरी है पिन बोर्ड भी लाइफ में। हमें कुछ लिस्ट बनानी होती है कि आज डे टू डे हमें लाइफ क्या करना है, तो उसकी लिस्ट को बनाने के लिए हम लिख कर रख लेते हैं डायरी में, तो हम भूल जाते हैं। और हम पिन बोर्ड पर जब हम उसको लिस्ट को बनाकर अटैच कर लेते हैं, तो हम अपने डेली रूटीन के काम बहुत इजीली कर लेते हैं। तो आइए मैं आज आपको सिखाती हूँ पिन बोर्ड बनाना, वो भी वेस्ट मटेरियल से। सबसे पहले हमें पिन बोर्ड बनाने के लिए एक थर्माकोल की शीट चाहिए। जितना बड़ा आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप शीट को ले सकते हैं। एक शीट चाहिए हमें थर्माकोल की, और हमें पेपर चाहिए कलर्ड, जो हम इस पर पेस्ट कर सकें। कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है और ब्लू कलर यूज़ किया है। इस तरह से मैंने इस पर थर्माकोल की शीट पर गोल्डन कलर का पेपर पेस्ट किया है, ठीक है। एक हमें सनील का कपड़ा चाहिए। मैंने ब्लू कलर का सनील का कपड़ा लिया है। सीज़र है, गोटा है हमारे पास, और ये मैंने क्लिप्स बनाई हैं। ये हमें क्लिप्स चाहिए हैंग करने के लिए। ये पिंस हैं, ये फेविक क्विक है, सेलो टेप है और सीज़र्स हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक थर्माकोल के पर हमने गोल्डन कलर का पेपर पेस्ट किया। इसके बाद अब हम इस पर सनील का कपड़े को रैप करेंगे। देखिए, अब हमने इसको इस पर रैप कर दिया। इसको हम थर्मा फेविकॉल लगा कर इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये लोहे का तार है। गोल्डन गोटे को इस पर रैप करके लपेट कर हमने ये क्लिप्स बनाई हैं, क्लिप्स। ये हमने सनील के कपड़े को इस तरह से पेस्ट कर दिया, और ये क्लिप्स भी लगा दी हैं दो, जिससे कि हम जिसको हैंग कर सके। पीछे से इसे कवर्ड कर दिया पेपर से। इसके बाद हमने गोटे से इसको डेकोरेट कर लिया। ये देखिए, बन गया हमारा पिन बोर्ड इस तरह से। अब हम इसमें डेली अपना हैंग कर सकते हैं, अपनी डेली के टास्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।